तो ये आप देख सकते हो 600 साल पुराना हमाम, और यहाँ मैं परसों भी आया था। हेलो, पहले के हमाम देखो, गेट भी देखो कितने छोटे छोटे गेट हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हो ना, ये ओटोमन हाउस है रियल में, मतलब ये एक्चुअल वाला है, बना हुआ नहीं है। दीवारें सब कुछ ऐसी है ओल्ड, जैसे पहले थी ना, छोटे छोटे घर हुआ करते थे उस टाइम, दरवाजे भी कितने छोटे हुआ करते थे। अभी जो मैं लेके जा रहा हूँ आपको सुल्तान मेहमद, उनका मकाम दिखाने के लिए। यहाँ के ये पांचवें सुल्तान थे। वो मैं अभी आ चुका हूँ टॉम से, और इसी के जस्ट सामने जो है मस्जिद है। जब आप अंदर आओगे तो ये आपको मिलेगा। आज भी इसको ये ऐसे ही रख रखा है, देखो ये पूरा ओल्ड है। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफ़र। तो मैं हूँ इस समय बुर्सा में, और बुर्सा में जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ ना, ये ओटोमन एम्पायर की सबसे बड़ी मस्जिद है जो कि बुर्सा में है। अभी जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, 600 साल पुराना इनका जो है हमाम दिखाने लेके जा रहा हूँ। साथ ही साथ ये जो है चौथे सुल्तान है ओटोमन एम्पायर के, जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ पाँचवें सुल्तान ओटोमन एम्पायर के, जहाँ पर उनकी मस्जिद है और उनकी टॉम है, जिसे ग्रीन मस्जिद के नाम से और ग्रीन टॉम के नाम से जाना जाता है। जब बुर्सा सिटी अगर टूर भी लेते हो ना बस से, तो वो जो जगह है ना वो बहुत फेमस जगह है, और जो 600 साल पुराना जो हमाम है ना वो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये यहाँ की फेमस मस्जिद है, जो कि ओटोमन एम्पायर की पहली मस्जिद जो इतने बड़े लेवल पर, यानी ग्रैंड मस्जिद है ये बुर्सा में। और यहीं आपको पता है ओटोमन एम्पायर के जो संस्थापक यानी उस्मान गाजी, उनका टॉम है यहाँ पर, और सेकंड जो सुल्तान ओरहान गाजी, उनका भी टॉम है, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस ब्लॉग में दिखा चुका हूँ आपको। और ये जो मस्जिद दिखाई थी मैंने आपको, ये चौथे सुल्तान यानी वेजिद, और ये ग्रैंड बाजार है, और यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ना वो पाँचवें जगह पर जा रहा है। ये मस्जिद, ये जो बाज़ार है ना, इस्तांबुल बाज़ार के मुकाबले में तो बहुत सस्ती लगी। यहाँ पर खाना और बाकी बहुत सारी चीज़ें सस्ती हैं, चाहे वो खाना हो चाहे बहुत सारी चीज़ें हों, वो काफ़ी सस्ती है। हेलो ब्रदर, तो काफ़ी सस्ती है और रेट भी ठीक ठाक है। इस पर मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बना चुका हूँ, इसलिए इसको मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। तो अभी जो हम डायरेक्ट चलने वाले हैं वो उसी पॉइंट पे चलने वाले हैं जो 600 साल पुराना जो है हमाम है, और आज जो है सिल्क हाउस में वो चेंज हो गया है। तो ये बुर्सा की ग्रैंड बाजार है, और इससे हम बाहर आ चुके हैं, और ये सीधा जो रास्ता जो जा रहा है ना, ये वहीं जा रहा है ग्रीन टॉम की तरफ। मार्केट तो काफ़ी अच्छी है, और जैसा कि आपको पता है ये जो है ना यहाँ का यानी टर्की का चौथा सबसे बड़ा शहर है, और ये ओटोमन एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी। और आपको पता होगा कि सोगुत से जो आए थे तुम्हारे की उस्मान गाजी, फिर यहाँ कर जब फतेह किया बुर्सा, तो ओरहान गाजी यह है, उन्होंने यहाँ पर जो है काफ़ी एक लंबे समय तक राज किया। ये आप देख सकते हो, ये सब आओगे ना, देखो देखो बुर्सा, उस्मान गाजी, ये पूरा ये उन्हीं के रिमेम्बर में ये बनाया गया। पूरा टेक्सटाइल का यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है। आप इनकी कोई भी बिल्डिंग देख लो, यहाँ ऐसा पत्थर देखोगे ना, ये देखो, और ये जो मस्जिद है पूरी, ये वही है उलू जामी मस्जिद है ये यहाँ की। देखो ये जो जगह है ना, ये यूनेस्को में संरक्षित जगह है ये। और जब आप आगे आओगे तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो है दुनिया की सबसे लंबी जो है कार केबल है, जो 5500 मीटर की है, और इस पर हम गए थे, और यहाँ से जो है हमने सफ़र भी किया था बुर्सा का, और आप कर सकते हो, ये हमारे एक्चुअली पैकेज में इंक्लूड था। और यहाँ पर ये जो है, ये तो उसका है तुम्हारी की कार चेयर का, लेकिन यहाँ पर जो होती है ये तो कार केबल है, लेकिन यहाँ चेयर केबल भी होती है। तो हमने दोनों इन्जॉय किए थे, चेयर भी इंजॉय की थी हमने और कार भी की थी। चेयर का जो प्राइस है वो 75 लीरा का है। तो अब इस समय बर्फ, इस मौसम में तो बर्फ़ नहीं है, लेकिन जब अगर आप 15-20 दिन बाद आओगे यानी, तो उस समय आपको बर्फ़ मिलेगी। और यहाँ मैं अभी एक फाउंटेन दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली बुर्सा जब आप आते हो ना, तो यहाँ आपका मन लगता है, स्पेशली इनके जो फव्वारे हैं ना वो बहुत अमेजिंग है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इनका फव्वारा देख सकते हो, ये देखिए। और पीछे जो लोग खड़े हैं ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ना, उलू जमी मस्जिद का कॉम्प्लेक्स है पूरा, जो कि चौथे सुल्तान का है। वहीं पर बोर्ड लगा हुआ है बुर्सा का, जो आप देख सकते हो, ये बुर्सा का बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पे जो है वो जगह है, ये जो सामने आप देख रहे हो अंडरग्राउंड पास देख रहे हो, ये ओरहान गाजी के रिमेम्बर में उनके नाम से पड़ा हुआ है। तो यहाँ का व्यू भी काफी अच्छा लग रहा है, देखो चेयर वगैरह खुले में लगी हुई है, कोजा कैफे। और यहाँ पर जो चाय है ब्लैक टी, वो 6 लीरा की है,
जो इंडिया के बढ़ते हैं 6, 5, 30 कोई 32-33 रुपए के आसपास। देखो वहाँ भी बुर्सा लिखा हुआ है, जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये जो आप अंडरग्राउंड देख रहे हो ना, अंडर पास जो देख रहे हो, ये उस्मान गाजी के नाम से है, और उधर वाला जो था वो ओरहान गाजी के नाम से था। लगभग हम जो है करीब आज आई चुके हैं। तो यहाँ के रास्ते ना बहुत अच्छे लगे। देखो ये बस वाले रास्ते हैं और ये रास्ता है ट्रोम वाला है। और ये देखो यहाँ पर ना बुर्सा में ये लगा हुआ है और ये एक तरह से मूव हो रहा है, देखो तो ये काफी अच्छा लग रहा है। और ये जो देखोगे ना यहाँ पर बुर्सा म्यूजियम है, बट इस म्यूजियम को मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो चीजें इसके अंदर है ना मैं आपको वो फिजिकल दिखा ही रहा हूँ, ले जाकर दिखा रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम लोकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है ओटोमन हाउस, जो काफी पुराना है और टोटल लकड़ी का। आप ये देखिए काम है इसमें, छत भी जो है इसकी आई थिंक अब इन्होंने टीन की रखी है, ये देखिए। और इसी के पास जो है सिल्क हाउस है, जो 600 साल पुराना जो है हमाम बोध खाऊंगा। तो और ये जगह इतनी फेमस है कि ये देखिए यहाँ पर जो टूरिस्ट वाली बस वगैरह आती है ना, सब वो यहीं आकर रुकती है। ये मस्जिद है, इधर टॉम है वो दिखाऊंगा, बट पहले जो भी दिखाऊंगा ना मैं आपको वो दिखाऊंगा यहाँ का सिल्क हाउस, जो कि 600 साल पुराना जो है हमाम हुआ करता था। तो ये आप देख सकते हो 600 साल पुराना हमाम, और यहाँ मैं परसों भी आया था। हेलो, आई केम हियर, थैंक यू। सो दिस इज 600 ईयर्स ओल्ड हमाम, ये 600 साल पुराना हमाम है। यहाँ मैं परसों भी आया था बट किसी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था, जो अब सिल्क हाउस में जो है इन लोगों ने चेंज कर दिया है। और मैं दिखाता हूँ आपको पहले के हमाम। देखो गेट भी देखो कितने छोटे छोटे गेट हैं, ये आप देख रहे हैं। और ये जो एग्जैक्ट जगह है ना, ये हमाम यहाँ पर नहाने का था उस समय, और हालांकि इसको रिस्टोरेशन तो किया गया है लेकिन अभी भी ना आपको वो जो है गेट छोटे मिलेंगे। देखो ये गेट इधर छोटा है, इधर आप छोटा गेट देख रहे हैं सेम। तो ये एक्चुअल में ओरिजिनल हमाम है, 600 साल पुराना, यानी नई बिल्डिंग नहीं है, पुरानी बिल्डिंग है। देखो हालांकि इस पर अब तो बिल्कुल नया कर दिया है इन्होंने, ये आप देख सकते हो। और इसकी छत भी आप देखोगे ना, ये रोशनी के लिए हुआ करती थी। तो ये यहाँ का काफी फेमस पॉइंट है सिल्क हाउस। अगर आप बुर्सा आ रहे हैं तो इस पॉइंट पर जरूर आए आप, और काफी अंदर तक ये अंदर से अंदर बना हुआ है। और बताते हैं कि ये यहाँ के जो ओटोमन एम्पायर के 5वें सुल्तान थे, उन्होंने बनाया था ये, और ये पहले उनके पर्सनल यूज के लिए था लेकिन बाद में उन्होंने पब्लिक के लिए कर दिया था, ऐसा बताया जाता है यहाँ पर। तो काफी अंदर से तो ये बहुत अच्छा है, बट अब हमाम में नहाने का जो मजा है वो उस पर भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, बट मैंने ये आपको ओल्ड दिखा दिया 600 साल पुराना। तो यहाँ पर काफी पुरानी चीजें आपको जो है मिल जाती है। और अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ ना वो आपको टॉम दिखाने वाला हूँ, बट यहाँ पर मैं रेट बताऊँ, रेट काफी जो है ना मुझे अच्छे लगे। यहाँ पर जो सबसे फेमस चीज है मैं वो दिखाता हूँ आपको, इनकी जो एप्पल टी है ना वो मैंने ली थी मैम, आई वांट एप्पल टी। सो एप्पल टी ना काफ़ी फेमस है। और रेट की बात करो ना तो 100 लीरा 250 ग्राम का पैकेट होता है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं यहाँ परसों आया था, इसका जो प्राइस है ना वो 100 लीरा है, बट ग्रैंड बाजार इस्तांबुल में ना इसका जो प्राइस है ना वो 180 है, और हमें जब लिया था हमने मॉल हॉप करने का तो हमें 125 का पड़ा था। तो यहाँ के रेट में काफ़ी डिफरेंस है मेरे साथ, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, तो यहाँ पर अनार टी है, एप्पल टी है, ये एप्पल टी है। और एक चीज़ क्या है कि जो एप्पल टी होती है ना वो उसमें आपको अलग से शुगर डालने की जरूरत है नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा मुझे। ले लिया ये 100 लीरा का है, ये मुझे इस्तांबुल में पड़ा था 125 लीरा का, 180 लीरा मांग रहे थे वो, बट मैंने सोचा रिलेटिव को दे दूंगा जब जा रहा हूँ, तो परसों मेरे फ्लाइट है सो मैं प्राइस देता हूँ इनको और उसके बाद चलते हैं यहाँ। बाकी यहाँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये पॉइंट तो ऐसा है कि जब आप बुर्सा टूर लेते हो ना तो बस यहाँ आके रोकती रोकती है, सिल्क हाउस है और ये रियल में 600 साल पुराना जो है हमाम घर है। तो मैं ना अभी हमाम घर से आया हूँ, और ये जो देख रहे हो ना ये ओटोमन हाउस है रियल में, मतलब ये एक्चुअल वाला है, बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होगे आप ओटोमन हाउस, और आज ये पूरा एक बिजनेस का वो बन चुका है कि यानी पहले के घर कैसे हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें आप इसमें आप देख पाएंगे। ये लिखा हुआ है ओटोमन हाउस, और अब एक तरीके से जैसे वो सिर्फ हाउस बन गया ना ऐसे ये वो बन चुका है। और
अंदर का थोड़ा मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दीवार है, सब कुछ ऐसी है ओल्ड जैसे पहले थी ना, सेम इसी तरीके से है। ये देखिए, और अंदर से मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, छोटे छोटे घर हुआ करते थे उस टाइम, दरवाजे भी कितने छोटे हुआ करते थे। तो मैंने दिखाया ये आपको ओटोमन हाउस, और जो काफ़ी ओल्ड है, पांचवें सुल्तान यानी जो 5 नंबर के सुल्तान थे वो ये जगह है यहाँ पर। और यहाँ पर जितनी भी जगह देखोगे ना आप सारी पुरानी है। ये सिल्क हाउस के नाम से फेमस है, और सबसे यहाँ का ये इंटरेस्टिंग और सबसे फेमस पॉइंट है। और ये जो जगह फेमस है ना ग्रीन टॉम्ब के नाम से, और ग्रीन मस्जिद के नाम से फेमस है। और आगे ही मस्जिद है, मैं वो दिखाऊंगा अभी आपको। जो सुल्तान मेहमद थे ना वो 5वें सुल्तान थे, और अभी पहले मैं उनकी टॉम्ब दिखाता हूँ, फिर मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। और ये जगह जो है सब ये है, यूनेस्को ने ना इसको कवर्ड कर रखा है। अभी मैं लेके चलता हूँ ऊपर। बुर्सा सीरीज़ पर ना मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए हैं, स्पेशली ओटोमन एम्पायर के ऊपर बनाए हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें, इसको ज़्यादा प्यार दें। इसे ग्रीन टॉम्ब क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर इसका जो कलर है ना वो ग्रीन सा लगता है, ग्रीन यानी एक्चुअली ब्लू सा लगता है, इसलिए इस जगह ग्रीन टॉम्ब के नाम से फेमस है। यहाँ से आप पढ़ सकते हो यासिल टॉम्ब, ये देखिए सुल्तान मेहमद। और अभी जो मैं लेकर जा रहा हूँ आपको टॉम्ब दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, ये देखो इसका जो कलर है ना वो ब्लू है, और ग्रीन तो नहीं लगता लेकिन इसे ग्रीन बोला जाता है। ये देखो बट दूर से काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर इनकी फैमिली की जो है मज़ार है। अभी जो मैं लेके जा रहा हूँ आपको सुल्तान मेहमद उनका मकाम दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ, तो ये जो बड़ी वाली आप मज़ार देख रहे हैं ये वाली सलेबी मेहमद ओटोमन एम्पायर सुल्तान, ये देखिए। तो यहाँ के 5वें सुल्तान थे, यहाँ पे इनकी फैमिली के मेंबर हैं। ये शहजादे मुस्तफ़ा इनके लड़के, ये देखो ये शहजादे महमूद इनके लड़के, ये पूरी फैमिली है इनकी। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। सुल्तान ये जो 5वें सुल्तान थे ना, ये इस समय इनका व्यापार जो है ना यूरोप में, एशिया में, और तुम्हारे की अफ्रीका में काफ़ी हद तक फैल चुका था। जैसे मैंने कहा था 4थे नंबर के जो सुल्तान थे वैजिद, वो भी अपने एम्पायर को काफ़ी हद तक फैला चुके थे। लेकिन 5वें वाले जो हैं ये इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि जैसे टर्किश बात है, तो टर्किश बात केवल नहाने के, इनके लिए खुद के लिए होता था, लेकिन इन्होंने इसको जो व्यापार में चेंज कर दिया, तो उसमें व्यापार बढ़ा चुके थे। लेदर तो बिक ही रहा था, लेकिन लेदर को इन्होंने जैसे शू जूते हो गए और जैकेट हो गए, उस समय भी जो बड़े बड़े जो चलते थे उसमें इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। तो ये 5वें ओटोमन एम्पायर के सुल्तान हैं। अभी मैं लेके चल रहा हूँ मस्जिद को, मैं अभी आ चुका हूँ टॉम्ब से, और इसी के जस्ट सामने जो है मस्जिद है, जो मैं आपको मस्जिद दिखाने वाला हूँ। सामने जो घर देख रहे हैं ना सिल्क हाउस, यहाँ पर कुछ जो मैंने ओटोमन एम्पायर का घर दिखाया वो तो ओरिजिनल घर है, कुछ यहाँ पर बनाए गए हैं सिर्फ इसलिए बिजनेस के लिए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि जो पुराने होते हैं ना वो अलग ही दिख जाते हैं। तो अभी जो मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ, ये है यसल जैमी, जैमी यहाँ मस्जिद को बोलते हैं, और ये 5वें सुल्तान की मस्जिद है। ये देखिए इनका क्या था, जब ये किसी भी शहर को फतह करते थे ना या कोई भी लड़ाई जीतते थे तो एक मस्जिद जरूर बनवाते थे, ये इनका पैटर्न था, उस समय काम करने का तरीका था। ये देखिए, अब देखो इसमें यहाँ आप दो चीज़ देखोगे, इधर इन्होंने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करी है ये बताने के लिए ये काफ़ी ओल्ड है, और इधर आप देखोगे तो इन्होंने वाइट मकराना पत्थर जो है लगाया है। तो दे आर प्रमोटिंग देयर बिजनेस विच इज़ अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखो इन्होंने इधर ऐसे छोड़ दिया, इधर जो आप देखोगे ना वो आप मकराना पत्थर, ये देखिए ये मस्जिद का बाहर का लुक है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इधर वजू करने के लिए हैं,
और एक्चुअल में हम जो खड़े हैं ना एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, तो ये काफ़ी ऊंची जगह है ये देखिए, क्योंकि मस्जिद में अभी नमाज का टाइम है तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं परसों आया था। अब आगे आप परसों वाला हिस्सा देखिए। दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर, और देखो ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये विमेन प्रेयर रूम ये वाला इधर, और यहाँ से ये जूते वगैरह रखने का है, और मैं यहाँ से अभी दिखाता हूँ आपको मस्जिद। ये देखिए, तो ये जो मस्जिद देख रहे हैं ना, ये ओटोमन एम्पायर उस दौर की मस्जिद है, यानी जो सुल्तान थे ना, सुल्तान मेहमद, ये ओटोमन एम्पायर के पांचवें सुल्तान थे, यानी सलेबी, और उन्हीं की आप मस्जिद ये देख रहे हैं। जब आप अंदर आओगे तो ये आपको मिलेगा, ये आप देख सकते हो। हालांकि इसको तो बाद में रिनोवेट किया गया है, लेकिन ये जो पत्थर है ना, ये मकराना पत्थर है जो आप देख सकते हो, ये देखिए। तो यहाँ से ये देखिए मस्जिद तो बहुत प्यारी है, ये देखिए। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, थोड़ा मैं आगे जा रहा हूँ जहाँ पर मेन जो है ना, ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पर खुतबा होता है, ये देखिए ये झालर लगी हुई है। इस साइड ना दो रास्ते हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, मैं लेके चलता हूँ। आई थिंक इसमें मेरे हिसाब से बच्चों की पढ़ाई वगैरह होती होगी, ये लगे हुए हैं, ये देखिए झालर कितने ऊंचे ऊंचे लगा रखे हैं। और सेम जैसे रूम ये है ना, सेम उधर का भी रूम यही है। मुझे ये लग रहा है ये जो हिस्सा है ना, ये कहीं ना कहीं ओल्ड है। हाँ देखो ओल्ड है, आज भी इसको ये ऐसे ही रख रखा है, देखो ये पूरा ओल्ड है। हाँ ये जो पोर्शन है ओल्ड वाला है, देखो। और उसके बाद ये मैंने आपको मस्जिद दिखाई, ये देखिए। अभी मैं आपको सीधे वाले रूम में लेके चलता हूँ, देखो सेम इसी तरीके से ये भी ओल्ड है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए, और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जहाँ पर जो है नमाज पढ़ाई जाती है। अब मैं इसका आपको वाइड एंगल व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ बाहर, और ये मैंने आपको दिखाई दिया इधर से भी, और इधर से भी दिखा दिया, चल रहा हूँ बाहर। तो आपने अंदर का व्यू देख लिया होगा, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो ग्रीन मस्जिद के बारे में। ये देखिए ये कब बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, यहाँ से आप देखिए। तो दोस्तों आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ओटोमन सीरीज़ को जितना मैं समझ रहा हूँ ना, यकीन मानिए जब मैं पुरानी जगह पर या पुरानी सोच में जा रहा हूँ ना, तो एक नई सी एक एक्साइटमेंट हो रही है, एक क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, कैसे लोग खाना खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, किस तरह का उनका एम्पायर होगा। एक बात तो समझ में आती है कि जिस तरीके से ये आप मस्जिद देख रहे हैं ना पाँचवें सुल्तान की, और यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं, यूनेस्को ने इसको जो संरक्षित किया, तो आप समझ सकते हो कितना पावरफुल जो है वो ओटोमन एम्पायर था। अब इसकी पूरी सीरीज़ आ रही है, ज़रूर देखें और सारे ब्लॉग देखें, और आपकी डिमांड पर मैं यहाँ आया हूँ। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपने ख्याल रखें।